वैसे तो पूरे भारत देश में निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के लिए हमारी कई तरह की वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा योजना बनाई जाती है, जहाँ लाखों हजारों रुपये खर्च भी होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, वहाँ पर शीश नवाने से ही संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ, दरअसल मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, ये है इंदौर में खजूरी बाजार के पास स्थित यशोदा माता का मंदिर, जहाँ पर यशोदा माता मैया ने कृष्ण कन्हैया को अपने आंचल में समेटा हुआ है। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ पर निसंतान दंपत्ति को गोद भरी जाती है और दूर दराज से जन्माष्टमी के पहले ही इंदौर में लोग आ जाते हैं, लॉजों में ठहरते हैं और यहाँ पर अपनी गोद सूनी गोद भराकर मनोकामना करते हैं संतान प्राप्ति की, और लगभग सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यशोदा का मंदिर 220 साल पुराना है, 220 साल पुराना है। जयपुर से यहाँ पर बैलगाड़ी में मूर्ति लेकर आए गए थे। माता यशोदा की जन्माष्टमी ढोल 11 पे गोद भराई जाती है। यहाँ पर जो भी गोद भरता है ना, उसकी गोद कभी खाली नहीं रहती है। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि ये मेरे यहीं का कहना है ये बस। और यहाँ पर जन्माष्टमी वाले दिन, जन्माष्टमी के दूसरे दिन इतनी भीड़ लगती है कि नंबर आना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब दो दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि लोगों आके भी चले जाते हैं। मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा कि उसमें रहती है कि नंबर ही नहीं आता है, तो लोगों निराश होकर भी चले जाते हैं फिर। और माता यशोदा की ऐसी महिमा है कि बिल्कुल साक्षात बैठी है माता जी, कि जो बोलते हैं वो ज़रूर पूरा होता है, मन्नत पूरी होती है बिल्कुल। ये भी यहीं का कहना है। हमने हमारे बहुत से रिश्तेदारों को भरी है, वो सबकी गोद भरी हुई है माता जी की कृपा से, और सबके यहाँ पे कहना ही है। हाँ, शालू शर्मा। बहुत भीड़ लगती है यहाँ तो, बहुत आस्था से आती है। जिन महिलाओं को संतान के लिए मानो एक नारियल है, 1.25 किलो चावल है, एक पानी का वो ब्लाउज पीस है, और हार फूल अगरबत्ती प्रसाद और यहाँ से जड़ी देते हैं, उसकी विशेषता है।